गुरु जी बात बताइए, जो अभी जनों आरक्षण की बात चल रही है, जो सवर्ण समाज को आरक्षण की बात चल रही है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? क्या ये सही है नहीं, संवैधानिक तरीके से सही है गलत है, उसके बारे में बताएं। ये ठगों की सरकार जी, और इसमें ठगी इनका जो है ब्रांड कहिए, इनका USP जी, ये सभी समुदाय को ठग रहे जी। नौकरियाँ ख़त्म कर दी तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया। नौकरियों के बाद इन्होंने जो पिछड़ों की जो आरक्षण है उसमें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, वहाँ रोस्टर नहीं लागू है, उसके कारण आज आरक्षण नहीं मिल रहा है। जो IB आता है स्ट्रेट अवे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, उसमें 27% आरक्षण नहीं दिया गया। तो एक पूरे समुदाय को ये कह के कि मैं पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री हूँ, पूरे पिछड़े वर्ग को ठग के उनकी जो हक है हुकूक को ख़त्म करके ये सरकार आगे बढ़ रही है, और उस प्रक्रिया में संविधान को निरस्त करने की प्रक्रिया में ये जो 10% आरक्षण की घोषणा हुई है ये उसी प्रक्रिया का एक अंग है। अब मैं इसको समझाना चाहूँगा कि अगर मोटा मोटी तौर पे देख लें तो आरक्षण को जो डेफिनेशन था उसका ये था कि जो मेरिट पर आ जाए उसके अलावे जो है इतना मिनिमम रहना चाहिए। इसको इन्होंने उलट दिया है, ये कह दिया है कि जो जिस कैटेगरी में अप्लाई करेगा उसी में रहेगा, यानी कि 27% है नॉन क्रीमी लेयर जो ग्रुप। अब जो बचे हुए जो 49.5 यानी 50.5% जो बचे हुए हैं उसमें जो 10% को हटा दिया, उसमें बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो क्रीमी लेयर के हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि चांसेस ऑफ देयर गेटिंग इनटू इट 10% और रिड्यूस हो गए। तो इस वजह से ये जो आरक्षण लागू हुआ है ये तो बेईमानी है संविधान के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ खास तौर से, और ये जो प्रक्रिया है ये निरस्त करने का एक प्रयास है संविधान, इसका विरोध होना चाहिए और हम लोग विरोध कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये आपके दर्शक भी वॉच करते रहें, हम लोग सड़कों पर निकलेंगे और हमारी समाज के लोग जो मेज थपथपा रहे थे संसद में, उनको समाज जो है तिरस्कृत करेगा, उनको अपने ही लोगों का अपने ही संविधान को पर हमला करने का दोषी नरेंद्र मोदी सरकार के साथ साथ वो भी, इस बात को लगभग लोगों ने मान लिया। डॉक्टर एक बात बताइए कि अभी सवर्ण समाज की बात हुई थी जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था मोदी सरकार ने कि सवर्ण समाज को मिलेगा, लेकिन उसके बाद इन्होंने सभी समाजों को जोड़ दिया, इसने ईसाई सिख वगैरह सबको जोड़ दिया, पारसी वगैरह, तो ये क्या है उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करें। देखिए जो बैकवर्ड क्लासेस का रिपोर्ट है मंडल कमीशन रिपोर्ट, उसमें सभी समाज के लोग शामिल हैं, यानी कि सिर्फ हिंदू बैकवर्ड्स नहीं, उसमें मुस्लिम एंड अदर कम्युनिटीज़ हैं, बुद्धिस्ट, ये सारे लोग जो बैकवर्ड क्लासेस में कैटेगराइज्ड हैं, वो न सिर्फ कैटेगराइज्ड हैं वो बेनिफिशियरीज़ भी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप चले जाएँ और जो लोगों को मिलता है उसमें आप सूची में देख लेंगे, मुस्लिम्स भी हैं कई लोग। अब ये जो इनका प्रयास था ये कहने का कि हम सिर्फ सवर्ण समाज को एक तरह से लकेट करेंगे, उनको खुश करेंगे, उनके वोट के लिए करेंगे, वो जो 5% है नॉन क्रीमी लेयर जो सवर्ण समाज, उनको 10% देंगे, उस चीज़ को इन्होंने खुद ही एक तरह से, ये उन्हें पता है कि यह सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल पाएगा, इसलिए उन्होंने इसको इस तरह से प्रस्तुत किया है। और मैं समझता हूँ कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो ये कानून सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, इसको खारिज करना होगा। आपने बताया कि बिल्कुल पारित नहीं हो रहा है, लेकिन ये पारित तो सब जगह से होता जा रहा है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, पारित ये हो रहा है, मैंने कहा ना कि जो मेज थपथपा रहे हैं संसद सदस्य और जो उस समाज के का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनसे वोट लेके जाते हैं, आज उनके पीठ पर वो छोड़ा भोग रहे हैं, तो पारित हो रहा है ये बड़ी बात नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि इस समाज के लोग इनको अगले चुनाव में सबक सिखाते हैं कि नहीं, और मैं आह्वान करता हूँ कि तमाम लोग जो इसको संसद में पास किए हैं और बड़े खुश होकर संविधान विरोधी बात कर रहे हैं, जो लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, मंडल साहब के अनुयायी हैं, वो लोग इस बात को तवज्जो दें कि ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं और उनको अगले बार संसद में ना जाने। सूरज जी हमारे से बात करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बहुत, और आपसे बात करके और आपके चैनल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए खुशी की। थैंक यू।